मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने 18 सितंबर को मेडिकल कॉलेज प्रांगण विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खेल ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मौजूद जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि 355 करोड़ की लागत से बने इस कॉलेज में बच्चों को मेडिकल की शिक्षा मिलेगी, जबकि दूसरी ओर लोगों को उच्च स्तरीय इलाज भी मिल सकेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। स्वागत है भाई, स्वागत है दुर्गा जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय अशोक मुखिया, हमारी बेटियों के नन्हे नन्हे बालिकाओं के कन्या विजय के लिए हो चुके। कैमरा 24, खबरों पर पैनी नजर। आदरणीय बहनों एवं भाइयों, सादर नमस्कार। आप सबको पता है कि हमारा शहर बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आपको यह बदलाव विकास के रूप में दिखाई भी दे रहा होगा, चाहे वो शहर के ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो या फिर पेयजल के पाइपलाइन की। इन समस्याओं को दूर करने के लिए दो नए फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं। अब दो चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगा दिए गए हैं तथा सड़कों को बेहतर बनाने का काम चल रहा है। इन सबसे बड़ी सौगात के रूप में हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। यह हर शहरवासी का सपना था, जिसे हमारे भाई साहब मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सांसद दीदी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, भाभी श्रीमती साधना सिंह जी चौहान एवं विधायक श्री कल्याण सिंह जी ठाकुर ने पूरा कर दिखाया है। अब शहर का अमीर हो या गरीब, वे भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख सकते हैं। 355 करोड़ रुपयों की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज में बच्चों को मेडिकल की शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि पूरे जिले के लोगों को उच्च स्तरीय इलाज भी मिल सकेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज शुरू हो चुका है एवं 750 बेड का अस्पताल भी शुरू होगा। इस अस्पताल में हर तरह की बीमारी का इलाज हो सकेगा। अब हमारे शहर के लोगों को किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो चुकी है। मेरे प्रिय शहरवासियों, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 18 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 4 बजे मेडिकल कॉलेज प्रांगण विदिशा में किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि आप भी इस गौरवशाली क्षण में भागीदार बने। आपका मुकेश टंडन, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद विदिशा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आज शाम 4 बजे मेडिकल कॉलेज प्रांगण में किया जाएगा। सीएम हेलीकॉप्टर से विदिशा एसएटीआई कॉलेज आएंगे, जहां से फिर उनका काफिला हाईवे से होते हुए गुजरेगा। आगे पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी दुर्गानगर चौराहे से, जहां सीएम के आगमन के लिए स्वागत पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं ऑडिटोरियम का निर्माण भी निरंतर जारी है। ओवरब्रिज से होते हुए अब नीमताल गांधी चौक पहुंचे, जहां यातायात सुचारू रूप से चलने के लिए ट्रैफिक सिग्नल तथा दूसरी ओर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं बीएसएनएल कार्यालय से होते हुए, हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। और अब मेडिकल कॉलेज मार्ग से कुछ दूरी पर हाईवे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैनर लगाए गए हैं। स्वामी विवेकानंद चौराहे पहुंचने पर स्वामी जी की प्रतिमा स्थापित है, जहां से वापस मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना होने पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए स्वागत बैनर लगे हुए हैं। अब मुड़ते हैं मेडिकल कॉलेज मार्ग पर, जहां मार्ग पर आते ही मेडिकल कॉलेज के भवन देखे जा सकते हैं। भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी बैनर लगाकर दी गई है। खेल परिसर विदिशा में कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आम सभा में शामिल होकर अपना संबोधन देंगे। यह है विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा।
कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपका मुकेश टंडन, अध्यक्ष नगर पालिका विदिशा।